हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। बात करते हैं हम चेन्स एंड टेप्स के बारे में। सर्वेयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो क्या होता है? मेज़रमेंट्स एक्यूरेट लेना। मेज़रमेंट लेने के लिए हम कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि टेप, रूलर, चेन और लेज़र डिवाइसेस। अगर स्मॉल स्केल मेज़रमेंट की बात करें तो उसके लिए जो आइडियल होता है वो होता है पॉकेट टेप, जो पिक्चर में आप ऊपर देख रहे हैं। और अगर लार्जर डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मेज़रिंग व्हील्स हो गया, नाइलन कोटेड स्टील टेप्स हो गए, या फिर फाइबर ग्लास टेप मेज़र हो गए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लार्जर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। बेसिकली चेन्स और टेप्स का इस्तेमाल सिर्फ डिस्टेंस मेज़र करने के लिए होता है। इसके बाद कंपासेस एंड क्लिनोमीटर्स क्या होता है? अ कंपास इज़ एन एसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट व्हेन सर्वेइंग इन अनफेमिलियर टेरिटरी और जस्ट ओरिएंटिंग योर पोजिशन ऑन अ मैप। कंपास कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वाइल क्लिनोमीटर्स आर यूज टू मेजर द एंगल एंड एलिवेशन ऑफ स्लोप्स। कंपास का इस्तेमाल करके हम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और क्लिनोमीटर्स का इस्तेमाल करके हम एंगल और एलिवेशन ऑफ स्लोप्स निकालते हैं। इसके बाद ट्रांजिट्स एंड थियोडोलाइट्स। दीज टूल्स आर यूज टू मेज़र बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। इनका इस्तेमाल करके हम हॉरिजेंटल साथ ही साथ वर्टिकल एंगल दोनों की को हम मेज़र कर लेते हैं। बोथ टूल्स हैव अ मिनिमम एक्यूरेसी ऑफ 1 मिनट ऑफ एंगल, दो द थियोडोलाइट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोर एक्यूरेट ऑफ द टू, मेजरिंग एंगल्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड एंगल। दोनों जो टूल्स हैं, ट्रांजिट और थियोडोलाइट, वो काफ़ी कम एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन थियोडोलाइट जनरली ज़्यादा मोर एक्यूरेट है इन दोनों ट्रांजिट से। इसके बाद बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स कैन बी यूज टू रीड एन एलिवेशन एंड डिटरमाइन डिफरेंसेस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दीज टूल्स कैन बी हैंड हेल्ड ऑप्टिकल और डिजिटल एंड आर टिपिकली यूज इन कंजंक्शन विथ लेवल रॉड और ट्राईपॉड। लेवल का इस्तेमाल करके हम एलिवेशन देखते हैं, और दो पॉइंट के बीच का जो एलिवेशन में डिफरेंस है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं लेवल्स का यूज़ करके। इस तरह का जो टूल होता है वो हम जनरली लेवल रॉड या फिर ट्राईपॉड पे कंजेस्ट करते हैं। बात करते हैं सेफ्टी गियर की। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ये लैंड सर्वेयर वर्क इन ऑल काइंड ऑफ कंडीशन एंड क्लाइमेट, बट सेफ्टी इज़ ऑलवेज द प्राइमरी कंसर्न। देखो, लैंड सर्वेयर जो होता है वो अलग अलग कंडीशन और अलग अलग क्लाइमेट पे काम करता है, और सेफ्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हाई विजिबिलिटी गियर एंड सेफ्टी हेड वेयर आर मस्ट फॉर ऑल आउटडोर वर्क यूज। हाई विजिबिलिटी गियर आता है जो, और हेड वेयर जो होता है हेलमेट, ये मस्ट है जितने भी बाहर काम करने वाले क्रियो हैं। इसके बाद आता है प्रिज्म एंड रिफ्लेक्टर। प्रिज्म सिस्टम आर यूज टू सिक्योर कंट्रोल पॉइंट एट अ कम्फर्टेबल एंड एक्सेसिबल हाइट फॉर पिन पॉइंट एक्यूरेसी। प्रिज्म का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कंट्रोल पॉइंट को सिक्योर करने के लिए, और एक्यूरेसी हाइट का जो एक्यूरेसी है वो सही होना चाहिए। दिस डिवाइस कैन बी माउंटेड ऑन सर्वेइंग पोल एंड यूज्ड इन कंजंक्शन विद EDM फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको हम लोग सर्वेइंग पोल में माउंट कर देते हैं, और इसका इस्तेमाल हम EDM के साथ करते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक लोकेटर्स। व्हेन कंडक्टिंग ए लैंड सर्वे इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स सच एज मैन होल, यूटिलिटी कवर्स, स्टील एंड आयरन पाइप्स। सर्वे के दौरान क्या होता है, कुछ चीज़ों की लोकेशन निकालनी ज़रूरी पड़ जाती है, जैसे कि स्टील्स, आयरन पाइप या मैन होल। तो इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक लोकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक लोकेटर्स कैन बी यूज टू क्विकली एंड प्रिसाइजली लोकेट फेरस मटेरियल लाइक आयरन, स्टील एंड रिबार। मैग्नेटिक लोकेटर का इस्तेमाल हम लोग फेरस मटेरियल जैसे कि आयरन, स्टील और रिबार वगैरह हो गया, जल्दी और प्रिसाइसली लोकेट कर लेता है मैग्नेटिक लोकेटर। लास्टली हम बात करें तो ये पोल्स, ट्राईपॉड और माउंट इक्विपमेंट है। इवन द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी थ्रोन ऑफ बाई एन अनस्टेबल माउंट। पोल, ट्राईपॉड एंड अदर माउंटिंग एक्सेसरी आर एसेंशियल फॉर सर्वेयर टू इंश्योर सॉलिड स्टेबल रीडिंग्स। द
पोल्स, ट्राईपोड और भी कोई माउंटिंग एक्सेसरीज जो होती है ये काफ़ी एसेंशियल है सर्वेयर्स के लिए, ताकि सॉलिड और स्टेबल रीडिंग्स मिल सके। दिस माउंट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्वेइंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्रिज्म, लेज़र एंड लेवल। इस तरह का जो माउंट होता है वो सारी लगभग हर तरह का सर्वेइंग इक्विपमेंट को माउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग प्रिज्म वगैरह हो गया, थियोडोलाइट हो गया, लेवल्स हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा चेन सर्वेइंग के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।